प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सातवीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 9 जो कि 17 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, अभी तक हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इन सब के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम मानव में पाचन, पाचन क्या होता है, पाचन हमें शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वह भोजन हमारे शरीर में जाता है और उसका पाचन होता है। लेकिन यह पाचन क्रिया क्या है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, इसमें कौन कौन से अंग का क्या क्या कार्य होता है, उसकी पूरी कार्य प्रणाली को इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और चित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे पाचन क्रिया कहाँ कैसे संपन्न होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। मानव में पाचन, अब देखते हैं। देखिए क्या होता है कि भोजन हम क्या करते हैं, भोजन पकाने के बाद भोजन खाते हैं और मुख चबाते हैं, जीभ है, उसके बाद जब मुख गुहिका द्वारा भोजन का क्या होता है, ये भोजन नली है, मुख गुहिका भोजन नली द्वारा आमाशय, फिर ये यकृत, पित्ताशय, तो इन अंगों का क्या क्या कार्य है ये समझते हैं। देखें भोजन का ग्रहण, थोड़ा बड़ा करके चलते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो भोजन को हम चबा के आहार को अंदर लेते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। अब देखते हैं, इसके बाद आती है भोजन नली यानी ग्रसिका, इसे ग्रसिका बोलते हैं। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका से जाता है, ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, यानी ग्रसिका की भित्ति जैसे संकुचित हो जाती है ऊपर से, तो भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ग्रसिका यानी ग्रास नली क्या काम है, भोजन इसी के माध्यम से अंदर पेट में जाता है। अब जीभ, देखते हैं ये जिह्वा है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है और भोजन को मुख में इधर उधर करने के लिए जिह्वा का प्रयोग होता है। अब यहाँ से जाकर के भोजन देखिए, सबसे पहले आमाशय। आमाशय क्या है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, मोटी भित्ति इसकी है, भित्तियाँ मोटी हैं और एक थैलीनुमा संरचना है। रंग चेंज कर लेते हैं, हरा कर लेते हैं, हाँ। यह एक ओर ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। देखिए ग्रास नली से खाद्य पदार्थ इसमें जाता है और ये क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह स्रावित करता है, तीन चीज़ें आमाशय का जो आंतरिक स्तर है यानी जो सतहें हैं अंदर की, वो तीन चीज़ें स्रावित करती हैं। क्या क्या उनको देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है जो श्लेष्मल होता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, कौन, पाचक रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल अनेक जैसे ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो देखिए आमाशय से हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, श्लेष्मल, पाचक रस, कार्बोहाइड्रेट अम्ल। श्लेष्मल का काल है आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करना, आमाशय के जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक जो उसकी सतहें हैं। प्रोटीन, पाचक रस प्रोटीन को कई टुकड़ों में विघटित कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो
सूक्ष्म जीव भोजन के माध्यम से पेट में चले जाते हैं, उनको निष्क्रिय कर देता है, नष्ट कर देता है, साथ ही साथ अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में मदद मिलती है। अब चलते हैं, यहाँ पे आते हैं यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ये देखिए यकृत है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। पित्त रस कहाँ? ये पित्त में स्रावित करती है, जो पित्ताशय में स्रावित होता है, संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पित्त रस होता है, यानी जो पित्ता यकृत द्वारा छोड़ा जाता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है, वह वसा के पाचन में बहुत ही सहायक होता है। अब पित्ताशय क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो अग्नाशय यानी पित्ताशय एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित, ये अग्नाशय है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो क्या होती है? पित्ताशय के आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस जो निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है? सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बदल देगा, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसराल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। तो जो ये इनका हमारा शरीर इन्हीं का उपयोग करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से शर्करा से ग्लूकोज मिलती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, कैलोरी, तो हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो वही जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, अग्नाशय जो अग्नाशयिक रस होता है वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में विघटित परिवर्तित कर देता है जिससे हमारे शरीर के लिए में उनका उपयोग हो सके। अब देखिए क्षुद्रांत बृहतांत पर चलते हैं। ये क्षुद्रांत है तो यह अत्यधिक कुंडलित है। जैसे देखिए एकदम कुंडलित मतलब लगभग 7.5 मीटर लंबी या यकृत एवं अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। यानी यकृत एवं अग्नाशय के स्राव यहाँ मिलते हैं, इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं और एवं अग्नाशय की जो भित्ति होती है उससे भी बहुत सारे रस स्रावित होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की से में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन व अवशोषण नहीं होता भेदांत में भेज दिया जाता है। अब देखिए क्षुद्रांत में क्या होता है, जो भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से जो है वो रुधिर में चला जाता है। यानी जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कैलोरी है, प्रोटीन है, वो शरीर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों में चली जाती हैं, तो वो क्षुद्रांत से उसकी जो वृत्ति होती है वह अवशोषित होकर के वाहिका में चला जाता है। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान आकार उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्या होती हैं? अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। यानी पचे हुए भोजन के अवशोषण में ये सहायक होते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, यानी जो अवशोषित नहीं होता, वह कहाँ चला जाता है? दीर्घांत में, यानी बृहदांत जिसे बोलते हैं। बृहदांत क्या होता है? क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी ये होती है, पतली ये चौड़ी होती है, यह 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। ये बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। और जो पचा हुआ पदार्थ है वह यहाँ से क्या होता है? मलाशय में, देखिए क्षुद्रांश दीर्घ बृहदांत से होता हुआ मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस में
के रूप में पड़ा रहता है। समय पर गुदा द्वार यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। और जब हम जैसे टॉयलेट शौच जाते हैं तो जो मल निकलता है वह बाहर निकल जाता है, और यही सी इस क्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो संक्षेप में हमने पूरे पाचन क्रिया को पढ़ा कि पाचन क्रिया क्या होती है। अब प्रश्न है आपके सामने, यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का कार्य क्या है पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी चीज क्या है? पित्त रस स्रावित करती है, जो भोजन के पाचन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह पित्त रस यकृत से पित्ताशय में जाकर संरक्षित होता है। ये तो हमने यकृत के बारे में जाना। पाचन तंत्र में कौन सा भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? देखिए, पाचन तंत्र के कई भाग हैं, तो उनमें क्या है कि कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जैसे जीवाणु नष्ट करना, तो ये कार्बोहाइड्रेट अम्ल जो होती है, जो अग्नाशय आमाशय देख रहे हैं, अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, वहाँ पे होता है आमाशय में। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। दीर्घरोम या रसांकुर किन्हें कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर अंगुली के आकार के होते हैं, यह क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में पाए जाते हैं। एवं अशोषित जो पचे हुए भोजन होता है उसको द्वारा रुधिर में अवशोषण में सहायक होते हैं। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो छात्रों, आपको मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना है। तो ये जो पाचन तंत्र है ये है, या तो आपको जो आपकी विज्ञान की किताब है उसमें आपके पाचन तंत्र का चित्र है, वहाँ से आप चित्र बना के अपनी वर्कशीट में रख कर इसे कंप्लीट करिए। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।